वेलकम दोस्तों, सभी का मेरा यूट्यूब चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले सभी मेरे व्यूअर्स से उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो नए व्यूअर्स बनेंगे उससे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे आपको लेटेस्ट जो वीडियोस मैं अपलोड करूँगा कि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों आज बात करेंगे पेरोल किस प्रकार से मिलती है, जो मुलजिम होता है उसको पेरोल किस प्रकार से मिलती है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे, जब तक आपके समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, किसी व्यक्ति के खिलाफ 302 का हो, 376 का हो, ऐसे जो मामले होते हैं उसमें उस व्यक्ति को जैसे 10 साल की सजा हो गई या 15 साल की सजा हो गई, आजीवन सजा हो गई, तो उस व्यक्ति को पेरोल किस हिसाब से मिलती है, क्या नियम है, ये आप इस वीडियो से जान सकते हैं। मान ली किसी भी व्यक्ति के खिलाफ 302 का मुकदमा लग गया और वो उस मुकदमे में सजा पे चल रहा है या उस मुकदमे ट्रायल में चल रहा है, तो उस व्यक्ति को मुकदमे के बीच में पेरोल मिल सकती है या नहीं मिल सकती। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चल रहा है तो उसको जो मुकदमा चल रहा है उसमें वो पेरोल ले सकता है, क्योंकि ये उसी संबंधित कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र फेस होगी कि इसके इमरजेंसी ये काम है, वो सारी चीज़ें उसमें बतानी पड़ेगी। दोस्तों, और दूसरे नंबर पे जिस प्रकार किसी व्यक्ति को 302 के मुकदमे में 10 साल की सजा हो गई, तो वो पेरोल लेना कैसे लेगा, किस प्रकार से लेगा, कहाँ आवेदन करेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जिस व्यक्ति को उम्र कैद या 10 साल की सजा हो जाती है, तो वो जिला कलेक्टर या जो पुलिस अधीक्षक है, जेलर, जेल अधीक्षक है, उसको प्रार्थना पत्र पेश करेगा और उस प्रार्थना पत्र में कोई ऐसा इमरजेंसी काम बताना पड़ेगा कि मेरे घर में शादी है, मेरे बच्चे की डेथ हो गई या मेरे माता पिता की डेथ हो गई या हमारे माता पिता बीमार, ये चीज़ें उसमें प्रार्थना पत्र में लगानी पड़ेगी। उसी कंडीशन पे आपको पेरोल मिल सकती है। पेरोल मिलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्यों नहीं मिलेगी, क्या उस व्यक्ति को क्या ग्राउंड चाहिए पेरोल लेने के। दोस्तों, पेरोल में अगर उस व्यक्ति का जो जेल अधीक्षक के सामने उस व्यक्ति की सारी चीज़ें देखी जाती है कि ये व्यक्ति में सुधार हो गया, ये व्यक्ति ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, या आने के बाद उसकी सारी चीज़ें देखी जाती है, और गवर्नमेंट भी चाहती है कि सभी व्यक्तियों को पेरोल मिले, क्योंकि उन व्यक्तियों को भी जो जीवन में अधूरे काम है उसको पूरा करना है। लेकिन जिस प्रकार किसी को अपने बच्चे की शादी करना है, माता पिता की डेथ हो गई है, या किसी प्रकार के जो और इमरजेंसी काम है, उसमें पेरोल मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, पेरोल मिलने के बाद उस व्यक्ति को बाहर निकलने के बाद उसका व्यवहार कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर उस व्यक्ति की सारी चीज़ें सही रही तो फिर उसे कोई भी ऐसा कोई काम पाएगा, उसे पेरोल मिल जाती है। इसलिए दोस्तों, पेरोल की जो कंडीशन है, शर्त है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व देखा जाता है, उसका क्या व्यवहार रहा, जेल में क्या व्यवहार रहा, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है। इसलिए दोस्तों, उसी व्यक्ति को पेरोल मिल सकती है जिसका व्यवहार अच्छा रहेगा, या उस व्यक्ति की जिस कंडीशन में क्या रहेगी कि उसे क्यों जरूरत है पेरोल की, सारी चीज़ें उसमें लिखनी पड़ती। दोस्तों, उसी शर्त के आधार पर पेरोल मिल सकती है अगर उसे घर में ज़रूरी काम हो, उसकी बहन की शादी करना हो, या बूढ़े माता पिता की सेवा करना है, या उसे दिखाना है, ये सारी चीज़ें देखने को, या वो खुद बीमार हो, सारी चीज़ें देखी जाती है। दोस्तों, उसी शर्तों पर पेरोल मंजूर होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।